look at the environment. चारों तरफ एक पहाड़, छोटे से पहाड़ के ऊपर छोटा सा पहाड़, ये भी पूरा एक पहाड़ी सीन है। देखो कितना पेड़ पौधे लगा हुआ है, इससे भी ऊपर आप जा सकते हो। दोस्तों ये है मेरा गुरु का आश्रम। एक्चुअली मैं हूँ राम ठाकुर का शिष्य डिसाइपल, और ये है कैबल्य धाम। ये बहुत ही फेमस धाम है, एक आश्रम है ऑफ आवर गुरु राम ठाकुर। एक्चुअली थिंग इज दैट मैं इंडिया से आया हूँ चट्टोग्राम में, और चट्टोग्राम में ही है ये बहुत ही पॉपुलर ये टेम्पल। तो तरुण जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था, तरुण जी मुझको कैबल्य धाम जाना है, और उसने हम लोगों को मुझको ऐसे एक शॉर्टकट तरीके से बस से उतरने के बाद जस्ट 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस हम लोग पहुँच गए हैं कैबल्य धाम टेम्पल आश्रम। इस आश्रम के अंदर आते ही जब पहला चीज़ नोटिस में पड़ा द क्लीनलीनेस। देखो ये पूरा रास्ता वहाँ से शुरू होता है और ये पूरा जा रहा है आश्रम के अंदर। और एक चीज़ बहुत ही खास लग रहा है, इसका जो एनवायरमेंट, इसका जो एम्बियंस, चारों तरफ पेड़ है, एक बहुत ही शांति का वातावरण है। ये शायद मेन गेट है, मेन गेट के एकदम, अच्छा ये मेन गेट नहीं है, देखो ये रास्ता यहाँ पर आकर राइट मुड़ रहा है। थोड़ा सा पहाड़ टाइप ऑफ जगह है, एक छोटा सा हिल टाइप ऑफ सिचुएशन है, और अभी हम लोग नीचे से ऐसे ऊपर जा रहे हैं। ओके वॉकिंग ऐसे ही चल रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के, समझाने के लिए, दैट इज ऐसे ही ऊपर जाना है। माय गुडनेस और भी चढ़ाई है, और मेरा सांस फूलना शुरू हो चुका है। जय राम। ये देखो दिस इज़ द एग्जैक्टली एंट्री, ऊपर तक करना है, तभी ऊपर तक भी जाना है। एक देखो थोड़ा सा ऊंचा एक छोटा सा पहाड़ आप बोल सकते हो, पहाड़ के ऊपर ये टेंपल है, ये मंदिर है। चश्मा को थोड़ा सा खोल कर पॉकेट में ले लेता हूँ। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस आश्रम ऑफ कैबल्य धाम। तो जब भी कोई प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ मैं, कोई ना नहीं डिवाइन डिवाइन सपोर्ट, देन आई रिकॉल माई गुरु। बिलीव मी ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई ऑन ऑल वर्क। तो चलिए थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ फिर से बात करता हूँ। आप किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे अगर आप जाओगे तो एक्चुअली एक अलग सा फीलिंग्स होता है। जब फीलिंग्स आई डोंट नो दैट इज़ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आपके साथ। ये देखिए ये धाम है, ये जो रास्ता पूरा जा रहा है पीछे, दिस इज़ द जयराम लिखा हुआ है ऊपर, ये धाम है। और जो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द हिंदू सनातन धर्म, जो मरने के बाद जो पिंड दान होता है तो यहाँ पर भी होता है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर देव देवियों के आशीर्वाद वाला जगह है। तो जो इस मोट जो इस धाम में जो आते हैं वो तो एक स्पिरिचुअल बेलिंग ब्लेसिंग भी पाते हैं। तो इसका साइड का सीन आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ। देखो चारों तरफ बहुत ही पेड़ लगा हुआ है, और वहाँ पीछे दूर एक शायद एक झील और लेक भी शायद ऐसा कुछ है, पानी वाटर बॉडी दिखाई दे रहा है। और एकदम शांत जगह है, टाइम टू टाइम पर क्या बोलो, एक स्पेसिफिक जो स्पिरिचुअल डेट में यहाँ पर जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी बहुत यहाँ पर होते हैं। तो सब कुछ मिलाकर एक बहुत ही खास जगह है फॉर मी। और यहाँ पर चारों तरफ जो भक्तजन है आप देख सकते हो पीछे, जो भक्तजन को बैठने के लिए एक ऐसे एक जगह भी है। हर मंदिर में हम लोग देखते हैं जैसे जहाँ पर बैठकर कीर्तन होता है, जहाँ पर बैठकर लोग गुरुजी का नाम लेते हैं, तो ऐसा ही जगह है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट मैं हो चुका हूँ, क्योंकि लेट होने के लिए मुझको प्रसाद नहीं मिला। ठीक है चलो यार, मेरा किस्मत में नहीं था, बट ऑफिस से मैं आई विल ट्राई टू टेक वट एवर आई कैन गेट। यहाँ पर आने के बाद पूरा जो राम ठाकुर का दर्शन करने के बाद पूरा जो थकान ऑलमोस्ट गायब हो गया है।
तो दोस्तों ऑलरेडी प्रसाद भी मैंने थोड़ा सा खा लिया है, इसके लिए इतना दूर तक आया था, बट इट वॉज अ ट्रस्ट मी इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वॉज सो गुड। साइट का सीन भी थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये देखो ये मंदिर का बाहर का ये जो साइट सीन है, ये सभी मंदिर कैंपस है। अच्छा अच्छा एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक वाटर बॉडी तालाब है एक है। वो देखो अभी इतना दिखाई शायद आपको नहीं दे रहा है ठीक से, वहाँ पर ये वाला एक छोटा सा तालाब है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग जो गुरुदेव राम ठाकुर वहाँ पर ही पहले जब जिंदा थे तो वहाँ पर नहाते थे, और यहाँ से ही जाने का रास्ता है वहाँ पर। उस जगह को एक बहुत ही थोड़ा सा इनक्लोज करके इसको प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है, बिकॉज़ ये जो शिष्य है जो भक्त है उन सभी के लिए बहुत ही खास जगह है। जस्ट लुक एट द एनवायरनमेंट, जस्ट लुक एट द एनवायरनमेंट, चारों तरफ एक पहाड़, छोटे से पहाड़ के ऊपर छोटा सा पहाड़, ये भी पूरा एक पहाड़ी सीन है। वो देखो कितना पेड़ पौधे लगा हुआ है, इससे भी ऊपर आप जा सकते हो। एक्चुअली किसी भी मंदिर किसी भी टेम्पल कोई भी रिलीजियस जो होली प्लेस होता है वहाँ पर एक जो खास चीज़ होती है ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप कोई भी हो, वंस यू विल कम यू विल फील दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो इतना दूर आने के बाद ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन दैट आई एम गेटिंग आई एम एन्जॉइंग, इसका जो इम्पोर्टेंस दैट इज़ वेरी मच यू नो इट हैज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस। उसके बाद चलो यार ये है कोइबल्य धाम टेम्पल आश्रम, इसको गुड बाय करके अभी यहाँ से निकलते हैं। ये कोइबल्य धाम का कैंपस से भी हम लोग निकल रहे हैं, ये सामने गेट है, यहाँ से ही हम लोग अंदर आए थे। नाउ टाइम टू गो आउट। होप सो गाइस यू हैव एंजॉयड दिस छोटा सा कोइबल्य धाम का ट्रिप। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरत भी नहीं, ये एक फीलिंग्स है। अगर आप फीलिंग्स आपके पास नहीं है तो इन्फॉर्मेशन जो भी है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपका फीलिंग्स सही है पॉजिटिव है तो इन्फॉर्मेशन है नहीं है नॉट ए इशू, यू कैन बी कनेक्टेड विथ योर ग्रेट सोल, आपके जो परम पिता परमात्मा के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर व्लॉग को ख़त्म करते हैं, कोइबल्य धाम का जो व्लॉग ख़त्म करते हैं। गेट के एकदम सामने हम लोग आ चुके हैं, कितना आधा घंटा 40 मिनट हम लोग यहाँ पर रुका। पहले तो कोशिश था चलो यहाँ पर प्रसाद लेना, और थोड़ा सा प्रसाद उसमें ही करोड़ों प्रसाद का आशीर्वाद वहाँ पर था। तो कोइबल्य धाम से चलिए गुड बाय, ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।